सोने का अंडा। राजन एक गरीब किसान था, उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर खेती कर अपना घर चलाता था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजन का खेत एक तालाब के किनारे था। हर रोज राजन उस तालाब से पानी लाकर अपने पौधों को पानी देता। काश मेरे पास भी थोड़े पैसे होते तो मैं पानी लाने का कुछ इंतजाम करता। एक दिन राजन जब तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बतख किनारे पर खड़ी है। उसके पैर में चोट लगी है। राजन उस बतख को उठाकर अपने घर ले आया। ये आज तुम बतख कहां से पकड़ कर ले आए? अपना खुद का गुजारा तो होता नहीं, अब ये बत्तख को दाना कहाँ से खिलाएंगे? अरे भगवान, पहले देखो तो उसके पैर में चोट लगी है, जरा मलम तो लाना। फिर राजन और उसकी पत्नी ने मिलकर बत्तख की खूब सेवा की। घर में दाल के दाने रखे थे, दोनों ने दाने उसे खिलाए और खुद भूखे सो गए। अगले दिन सुबह जब राजन की पत्नी सोकर उठी तो उसने देखा कि बतख ने सोने का अंडा दिया है। अरे अरे उठो, जल्दी उठो, देखो हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। आओ आओ जल्दी आओ, देखो तो सही क्या हुआ है। क्या हुआ भगवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये देखो, जो बतख तुम कल लाए थे उसने सोने का अंडा दिया है। भाई वाह, क्या बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बतख। अब तो बतख रोज सुबह एक सोने का अंडा देती, राजन उस अंडे को बाजार में बेच देता और उसे खूब पैसे मिलते। इस तरह वे दिनों दिन अमीर होते चले गए। भगवान, वो पड़ोस का भोला कुछ पैसे मांग रहा है, दे दूं क्या? हाँ हाँ दे दो, पर उसे ब्याज जरूर लेना। इस तरह राजन अब लोगों को ब्याज पर पैसे देने लगा। एक दिन एक बड़ा व्यापारी राजन के पास आया। राजन, तुम मुझे 1,00,000 रुपया दे दो, मैं तुम्हें 3 दिन बाद 1,25,000 रुपये वापस दे दूंगा। क्या क्या कहा, 1,25,000? भई वाह, ओहो, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो कोशिश करता हूँ, तुम कल आना। राजन ने उस दिन घर जाकर अपना सारा धन इकट्ठा किया और इसे गिना। ओहो, ये पैसे तो कम हैं, 25,000 कमाने का मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्या करूं? लालच में आकर राजन उस बतख को मार देता है, ये सोचकर कि उसके पेट में से बहुत से अंडे निकलेंगे। पर बतख तो मर जाती है, उसके पेट से कुछ नहीं निकलता। लालच बुरी बला है। लालची जलेबी वाला। एक गांव में एक जलेबी की दुकान थी। दुकान के मालिक का नाम रमन था। रमन बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाता था। लोग दूर दूर से उसके यहाँ जलेबी खाने आते थे। इस तरह उसकी खूब कमाई होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका लालच बढ़ रहा था। कई बार उसकी जलेबियां खत्म हो जाती थी, लेकिन ग्राहक आते रहते थे। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम बहुत बढ़ गया है, मुझे अकेले संभालने में दिक्कत हो रही है। 1-2 कारीगर रख लेता हूँ, वो जलेबियाँ बनाएंगे और मैं पैसे इकट्ठे करूँगा। अब रमन गल्ले पर बैठने लगा। उसने एक छोटा सा चुंबक अपने तराजू के नीचे भी चिपका दिया, जिससे कि कम जलेबियों से भी ज्यादा पैसे मिलें। 1 किलो जलेबी दो भाई, ये लो। बस इतनी सी? ये तो कम लग रही है। कम नहीं है, तुम्हारे सामने ही तोल कर दे रहा हूँ, पूरी है, ले जाओ। इस तरह रमन लोगों को धोखा देकर खूब अमीर हो गया और मोटा लाला बन गया। उसने जलेबियों के साथ साथ समोसे भी बेचने शुरू कर दिए। मिली नाम की एक लड़की उसकी दुकान के आगे से रोज निकलती और वहां रुककर जलेबी की सुगंध लेती। वो गरीब थी, इसलिए कभी जलेबी खरीद नहीं पाती थी, पर वहां खड़े होना उसे अच्छा लगता था। जाओ यहां से,
क्या करने आती हो यहाँ पर रोज? कभी कुछ खरीदती तो हो नहीं, भागो यहाँ से। एक दिन मिली को कुछ पैसे मिले। मिली खुशी खुशी दुकान पर पहुंची, यह सोचकर कि आज वो जलेबी खाएगी। हाँ लड़की, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दो भाई। लाओ 2 10 रुपए और जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं दूंगी, पहले जलेबी दो। अरे ये जो तुम रोज यहाँ पर जलेबी की सुगंध लेती हो, ये तो उसके हैं। अगर खानी भी है तो और पैसे लेकर आओ, समझी? ये सुनकर मिली उदास हो गई। पास ही मिली के मास्टर जी खड़े थे, उन्होंने ये सारी बात सुन ली। अरे तुम मिली को परेशान क्यों कर रहे हो? इसे जलेबी क्यों नहीं देते? मास्टर जी आप? साहब आपको नहीं पता, ये यहाँ पर आके रोज जलेबी की सुगंध लेती है। ओहो ऐसी बात है, तो ठीक है, मुझे भी जलेबी की सुगंध आ रही है, मुझे भी इसके लिए पैसे देने होंगे। मास्टर जी ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसको हिलाते हुए रमन को उसकी हवा कर दी और बोले, मिल गए तुम्हें 10 रुपए? आप मजाक कर रहे हैं क्या? जलेबी की सुगंध के बदले पैसों की हवा, हिसाब बराबर हुआ। क्यों लालची जलेबी वाले? यह सुनकर रमन शर्मिंदा हो गया। लालची व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर पाता। बकरी चोर। अमरपुर नाम के गांव में एक पंडित रहता था, उसका नाम विजय था। उसकी पत्नी बहुत ही बीमार रहती थी। विजय तुम्हारी बीवी की हालत बहुत खराब है, अब तो तुम उसकी सेवा ही करो। विजय यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। इतने में एक साधु वहां आता है। बेटा क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बाबा मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साधु ने विजय की पत्नी को एक नजर देखा। बेटा इसकी हालत तो वाकई ठीक नहीं है, परंतु अगर तुम चाहो तो इसकी तबीयत ठीक हो सकती है। वह कैसे बाबा? बेटा यहाँ से कुछ ही दूर लखन नाम का एक चरवाहा जंगल में रोज भेड़ बकरियां चराता है। उसकी एक बकरी बहुत ही करामाती है, अगर तुम अपनी बीवी को उस बकरी का दूध पिला दो तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लखन को भी उस अद्भुत बकरी के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर बाबा मैं इतनी बकरियों में से उस बकरी को पहचानूंगा कैसे? यही तो तुम्हारी परीक्षा है बेटा। हाँ तुम ये काम लखन को बिना बताए करना, क्योंकि ना ही लखन तुम्हें वह बकरी देगा और ना ही उसका दूध। अगले ही दिन विजय एक गडरिये का भेष बनाकर उस दिशा की ओर चल देता है। भाई तुम बकरियां चराने यहाँ रोज आते हो? हाँ भाई, पर तुम कौन हो? मैं भी एक चरवाहा हूँ, मैं पहाड़ के पीछे की ओर बकरियां चराता था। मेरी सभी बकरियां एक एक करके जंगली जानवरों ने खा ली, अब मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता तुम भी मेरी बकरियां चरा लो, तुम्हारे खाने पीने रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा, मेरी थोड़ी मदद ही हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहुत ही ध्यान से सभी बकरियों को बड़ी पैनी नजर से देखता है, लेकिन उसे तो सभी बकरियां एक जैसी लगती हैं। तभी विजय देखता है कि जिस ओर बकरियों का पूरा झुंड जा रहा है, एक बकरी कुछ अलग ही चल रही है। गौर से देखने में विजय पाता है कि जो बात उस बकरी में है दूसरी बकरियों में नहीं। बस मौका पाकर विजय लखन की नजर बचाता हुआ उस बकरी को उठा लेता है और जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ता है। लो भगवान, जल्दी से इस गरम गरम दूध को पी लो। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में विजय की पत्नी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। विजय उस साधु और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। उसके बाद वह लखन के पास जाता है और उसे सारी बात बताते हुए उससे माफी मांगता है
और उसकी बकरी उसे लौटा देता है। अच्छे काम के लिए किया गया बुरा काम भी बुरा नहीं माना जाता।